कल जैसे सोलापुर शहर में पहला कोविड-19 का जो पेशेंट मिला है और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई है, तो अब सोलापुर जिला भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोविड-19 से सुरक्षित नहीं है। तो मैं सोलापुर शहर व जिला की तमाम जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा कि अगर हमको इस लॉकडाउन से बाहर आना है और हमको इस बीमारी पे जीतना है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है हमारे घरों में बैठना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो मैं तमाम हमारे सोलापुर की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो हमारे लिए दिन रात एक करके पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की टीम हो, नर्सेज हो, जो और पत्रकार भाई हो हमारे, ये सारे लोग जो दिन रात एक करके हमारे लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज उनकी मेहनत पे पानी मत फेरिए। और खुद की जान के साथ साथ हमारी लापरवाही की वजह से हमारे परिवार वालों की भी जान जोखिम में आ सकती है। मैं आपसे विनती करता हूँ फिर से एक बार कि अपने अपने घरों में रहिए। और मैं एक और विनती करता हूँ कि जो भी लोग जाने में या अनजाने में जो एक डिसीज यहाँ पर हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उनके संपर्क में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए होंगे, तो घर में छुप के बैठने से इस बीमारी से हम इलाज जीत नहीं सकते। मैं आपसे ये आह्वान करता हूँ कि सामने से खुद पुलिस के पास जाइए या डॉक्टर्स के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए, क्योंकि चेकअप करने से ही इस बीमारी का इलाज होगा, आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा और दूसरों को ये बीमारी फैलने से हम बचा सकते हैं। तो फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती है, एक कृपा करके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हम सब मिलके इस जंग को लड़ेंगे, और ऊपर वाला चाहेगा तो हम बहुत जल्द वापस हमारे पुराने दिन वापस आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।